नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आप बहुत से दर्शकों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये भी रहती है कि वो नहीं जानते उनकी कुंडली कौन सी है, क्या बनती है, क्योंकि जन्म का समय उनके पास नहीं है और बहुत निर्धन भी है कि वो कहीं जाकर के किसी से कुछ परामर्श भी नहीं ले सकते और ना ही कुछ उपाय भी वो कर पाएंगे। इतना धन भी उनके पास नहीं है या किसी और कारण से उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान कहीं भी नहीं मिल पाया है और वो अब थक गए हैं। क्या करें, कैसे समस्याओं से हम मुक्त होंगे? अगर ऐसी ही किसी परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी मदद जरूर करेगा। दोस्तों, यदि मान लीजिए जीवन के अंदर हमें कोई कष्ट है तो ये बात तो निश्चित है कि वो कष्ट किसी न किसी ग्रह के कारण से ही हमें मिलता है। अब यदि हमें ये पता लग जाए कि वो जो परेशानी हमारे जीवन में आ रही है या चल रही है वो किस प्लेनेट की वजह से है, तब तो उसका समाधान बहुत आसानी से किया जा सकता है, लिया जा सकता है। लेकिन यदि मान लीजिए आपको ये ही ना पता हो कि जीवन में आ रही समस्याएं किसके कारण से आ रही हैं, तो आप क्या करेंगे? ऐसे में दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर कुछ उपाय बता रहा हूं जो यदि आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको आपके जीवन में बहुत रिलीफ मिलेगा। वैदिक समय पर भी हमारे ऋषि मुनि बहुत ही दयालु थे, इसीलिए उन्होंने कुछ विशेष क्रियाओं को हमारे जीवन में शामिल किया ताकि हम उन कष्टों से अपने आप को मुक्त रख पाए। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखिए, रोज आपको 5 मिनट का समय अपने लिए जरूर निकालना है। सबसे पहले उठने के बाद में अपने घर के मंदिर में जाकर ईश्वर को प्रणाम कीजिए। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, चाहे आप मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू से, सिख से, ईसाई से या और किसी से, सबसे पहले आपने जो भी अपने घर में कोई धार्मिक स्थान कोई ऐसा बनाया हुआ है जहां पर आप रोज प्रे करते हैं, तो वहां पर आप जाकर के सबसे पहले उठते पहले ही सुबह पहले वहां जाकर के प्रणाम करके अपने दिन की शुरुआत करें। ये एक नियम आप सबसे पहले अपने जीवन में लागू करें। उसके बाद दोस्तों, यदि रविवार का दिन है तो उस दिन आप अपने घर के मंदिर में दीपक जला करके, घी का दीपक जला करके, आप ओम सूर्य देवाय नमः का 5 मिनट जाप जरूर करें। यह उपाय आपको रविवार को करना है। सोमवार को आपको अपने घर के मंदिर में ही घी का दीपक जला करके ओम नमः शिवाय का जाप करना है, वह भी 5 मिनट। देखिए दोस्तों, यदि मान लीजिए आपका सामर्थ्य इतना भी नहीं है कि आप घी का दीपक जला सकें, तो मन में भाव करके भी यदि आप इन मंत्रों का जाप करेंगे तो आपको आपके कष्टों से मुक्ति जरूर मिलेगी। मंगलवार के दिन अपने घर के मंदिर में ही या पूजा वाले स्थान पर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए। बुधवार के दिन आप किसी भी गणेश जी के मंदिर में या अपने घर में ही ओम श्री गणेशाय नमः का 5 मिनट जाप जरूर करिए। गुरुवार के दिन घर के मंदिर में या किसी धार्मिक स्थल पर आप ओम श्री गुरुवे नमः का मंत्र का आप जाप 5 मिनट जरूर करिए। शुक्रवार के दिन अपने घर के अंदर ही अगरबत्ती जला करके ओम श्री शुक्र देवाय नमः का जाप आप जरूर करिए, या फिर आप किसी माता की आरती भी वहां पर आप कर सकते हैं अगरबत्ती जला करके। शनिवार के दिन आप अपने घर के मंदिर में ही सरसों के तेल का दीपक जला करके साउथ की तरफ अपना मुख करके ओम श्री शनि शनिश्चराय नमः, ओम श्री शनि शनिश्चराय नमः के मंत्र का 5 मिनट जाप जरूर करेंगे, या फिर आप ओम शनि देवाय नमः इस मंत्र का भी आप जाप जरूर कर सकते हैं। इस तरीके से यदि आप इन 7 दिन के देवी देवता को जो समर्पित है वो दिन, उनका यदि ये मंत्र जाप आप करते हैं और सुबह उठ करके सबसे पहले ईश्वर को प्रणाम करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो आपको आपके कष्टों से मुक्ति जरूर मिलेगी। इन उपायों का असर आने में 3 से 6 महीने का वक्त लग सकता है, लेकिन असर जरूर होगा
और यदि आप इसे लंबे समय तक करते रहेंगे अपने जीवन में, इसे एक नियम बना लेंगे अपने जीवन का, तो फिर आपको कभी भी अपने जीवन के अंदर तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा यदि आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो सुबह उठ करके अपने माता पिता के चरण स्पर्श भी आप जरूर करिए। यदि माता पिता आपके पास नहीं रहते हैं तो अपने घर के आसपास कोई बड़े बुजुर्ग हो, या किसी धार्मिक स्थल पर मंदिर में जब आप जाते हैं वहाँ बुजुर्ग पुजारी हो, या कोई बुजुर्ग स्त्री माता समान या पिता समान हो, ऐसे बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके भी यदि आप आशीर्वाद रोज लेते हैं तो फिर मानिए जिंदगी में आपको कभी भी ग्रहों के कारण से परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये एक उपाय ऐसा है जो मैंने आपको बताया। अगर ये साधारण से उपाय भी यदि रोज के जीवन में आप अपने शामिल कर लेते हैं तो फिर निश्चित मानिए वो समय दूर नहीं है जब आप लोगों को अपने इन कष्टों से मुक्ति जरूर मिलेगी। इसलिए ये वीडियो आप खुद भी देखें और अपने दोस्तों परिचितों में भी इसे फॉरवर्ड करें ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। उम्मीद है आपकी समस्या का समाधान इस वीडियो से जरूर निकलेगा। अगले किसी वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ फिर मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। ईश्वर आप सबकी मनोकामना जरूर पूरी करें।